बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर NCR सहित बुलंदशहर में भी प्रदूषण बढ़ने से हवा जहरीली हो गई है। लोगों की सांसों में जहर घुल रहा है। NCR में चारों तरफ आसमान में धुंध छाई हुई है। आसमान में छाई धुंध से कोहरे जैसे हालात हैं। बुजुर्गों और बच्चों को जहरीली हवा होने से बड़ी परेशानी हो सकती है। प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से कोई समुचित उपाय नहीं किया गया। बुलंदशहर NCR की हवा लगातार दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के द्वारा भी पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। बुलंदशहर NCR क्षेत्र में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आंखों में जलन हो रही है। जनता को परेशानियों का सामना। क्या नाम है भैया? हरज्ञान सिंह। क्या काम करते हो? फेरी का काम करते हैं। अच्छा, ये डाटा क्यों मार रखा है? डाटा मार रखा है इसलिए आँखों में जलन भी है, थोड़ी सी सांस लेने में परेशानी भी आ रही है। तो जिस तरह से ये धुंध छा रही है, तो धुंध क्या लगता है तुम्हें? धुंध ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही हो आँखन में, और इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा बिल्कुल चलते में। बहुत ज़्यादा प्रदूषण का सा मामला लग रहा है हमें, जलन हो रही है आँखों में, प्रदूषण डेली बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है। परेशानी होती है चलने में, निकलने में घर से परेशानी है हमें, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो आँखों को दिन में पानी से भी धोते होगे आप लोग? आँखों में जलन होती है, पानी सा निकलता है आँखों में से चलते टाइम। तो परेशानी है? परेशानी बहुत ज़्यादा है, निकलने में सुबह काम करना पड़ता है, जाना तो पड़ता ही है, क्या करें, मजबूरी है, पेट के लिए तो करना पड़ेगा। नाम है? करणवीर है। अच्छा करण, क्या काम करते हो? पौधे बेचते हैं जी। अच्छा, ये जो धुंध छा रही है, इससे किस तरह की परेशानी है? आँखों में परेशानी है, जलन हो रही है। और किस तरह की दिक्कत आ रही है? जैसे दिक्कत बहुत आ रही है, काफ़ी आ रही है, और ठंड इतनी ना काफ़ी, बुकसेट में चल रहा है सेट में। तो ये पोल्यूशन की वजह से? हाँ, पोल्यूशन की वजह से बहुत परेशानी आ रही है, मोटरसाइकिल पर ही दिख ना यार। तो आँखों में ज़्यादा जलन हो रही है इससे? आँखों में ज़्यादा जलन हो रही है, कड़वापन ज़्यादा है। तो सांस लेने में? सांस में दिक्कत हो रही है लेने में। तो बुजुर्गों को और बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है? ज्यादा परेशानी है बुजुर्गों को, करना पड़ रहा है। बुलंदशहर से नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।